हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सीजन की सबसे स्पेशल रेसिपी, जिसे हम कहते हैं सरसों का साग। अब सरसों का साग तो आपको पता ही है, पंजाब का फेमस है और हमारे इंडिया में इसका खाने का स्वाद ही अलग होता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसको आप मक्के की चपाती के साथ या फिर बाजरा और ज्वार की चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है यहाँ पर सरसों, और उसके साथ ही साथ हमने लिया है बथुआ। और आपको एक साग की और ज़रूरत होगी, जिससे कि हमारे साग का टेस्ट और दोगुना हो जाए। उसके साथ ही साथ ये, अगर आप इसमें बथुआ ऐड करेंगे और पालक ऐड करेंगे, तो साग बनाने की जो चिकनाहट है वो इसमें बनी रहती है। अच्छे से इसको साफ़ कर लें, जैसे कि हमने किया है। इसके हमने जो थोड़ी सी मोटी डंडियां जिसे कहते हैं वो हमने निकाल दी, और इस तरह से आप इसको चॉप कर लेंगे। तो आप इसको थोड़ा मोटा भी चॉप कर सकते हैं आप चाहें तो। इसको गांव में जनरली इसको दराती के साथ कट किया जाता है, जिससे कि ये बारीक कटता है। इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पे पालक को भी कट कर लिया है, और ये लगभग हमने 1 किलो साग तीनों का मिक्स करके लिया था। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे सोया भी ऐड किया है। अब इसको बड़े बर्तन में आप इसको अच्छे से पानी ऐड करके, जहाँ तक पानी इसका अच्छे से आ जाए वहाँ तक आप इसको फुल करना है। इसमें सॉल्ट डाल दें, और इसके साथ साथ आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं हल्दी और थोड़ी सी मिर्च, या फिर आप ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं, इससे कि इसका कलर जो है ग्रीन तो आएगा ही, थोड़ा सा एनहेंस हो जाता है कलर इसका, तो यहाँ पे आप, और टेस्ट भी बेहतर आता है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। अगर आप रेड चिली पाउडर अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ग्रीन चिली का यूज़ कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से हम पकने के लिए छोड़ते हैं। पानी हमने देख ली, बराबर मात्रा में लिया है, जितना साग है उसी की हमने लेवल पे पानी का यूज़ किया है। आप इसको उसे अच्छे से कवर कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। और अगर आप इसको हांडी में बनाते हैं तो इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। हमने यहाँ पे बर्तन का यूज़ किया है, नॉर्मल जो घर में यूज़ होते हैं। अगर आपके पास हांडी है तो आप हांडी भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब इसमें एक बॉयल आ गया है। अब इसको अच्छे से चलाते रहें, क्योंकि अच्छे से चलाते रहेंगे तो ये प्रॉपर सारे तरफ से पक जाएगा। वैसे भी कवर करके बनाएंगे तो ये पक जाता है आराम से। अब तब तक हम प्रिपरेशन कर लेते हैं थोड़ी सी। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है अदरक, और इसके साथ साथ लहसुन, और इसको हमने कूट लिया है। और अब क्या होता है, बॉईल तो आ गया है आपके साग में, आप इसको ही कूट के, जो हमने अदरक और लहसुन लिया है उसको आप इसमें ऐड कर देंगे, ताकि इसका फ्लेवर जो है अच्छे से हमारे साग के साथ मिक्स हो जाए। अब अच्छा फ्लेवर चाहिए तो हमें थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर कुछ टाइम के लिए कवर करने के लिए छोड़ देंगे। आप सोच रहे होंगे ये साग पकेगा कब तक, तो आप इसको जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना बेहतर इसका टेस्ट आएगा और उतना ही मज़ेदार लगेगा। गांव में इसको पकाने के लिए जनरली एक रई का यूज़ किया जाता है। रई को हम गांव में घोटा भी बोलते हैं। तो उससे इसको अच्छे से प्रेस किया जाता है तो ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। आप इसमें चाहें तो सॉल्ट और डाल सकते हैं, और आपको इसमें 1 to 2 स्पून आपका मक्के का आटा ऐड करना है, जिससे कि इसका टेक्सचर और इम्प्रूव हो जाए और ये थोड़ी थिकनेस इसमें आ जाए। यहाँ पे हम मक्के का आटा ऐड करेंगे। अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, और इसको और अच्छे से मिक्स करेंगे और चला देंगे। अगर आपके पास रई है तो इसको रई से घोटते रहें। इसको जनरली घोटना ही कहा जाता है, तो या तो आप रई से इसको अच्छे से चलाते रहें दबा दबा कर, या फिर आप ब्लेंडर का यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर ब्लेंडर का यूज़ किया है, तो आप ब्लेंडर से इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, ताकि इसके जो अच्छी सी लीव्स है वो पानी के साथ में, जो बॉइल्ड वाटर है इसका, उसके साथ में मिक्स हो जाए और ये अच्छा सा फ्लेवर और दे पाए। और इसके बाद आपको कुछ टाइम तक और पकने के लिए छोड़ना है। हमने यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा ब्लाइंड किसी भी इस चीज़ को ब्लेंड नहीं किया है, तो यहाँ पे ज़्यादा अगर ब्लेंड करेंगे तो आपका जो साग है वो एकदम कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आपको साग जो नेचुरल फ्लेवर आता है साग का वो ख़त्म बिल्कुल नहीं करना है, मतलब आपको इतना ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है कि पता ही ना चले कि इसमें हमने साग भी ऐड किया है, सिर्फ ग्रीन कलर की आपको करी मिले, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बनाना है। तो आपने यहाँ पे दूसरी, अब जब तक वो पक रहा है हम एक कढ़ाई में मसाला थोड़ा प्रिपेयर कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिए छोटी सी कढ़ाई, और उसमें हमने डाला है तिल का तेल। आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं सरसों का तेल या फिर घी। हमने यहाँ पे तिल के तेल के साथ में घी का यूज़ किया है, जिससे कि हमारे साग का फ्लेवर जो है दोगुना हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से हीट कर लेंगे। आपको अगर घी ऐड करना है तो उसमें थोड़ा सा तेल ज़रूर मिलाएं, जिससे कि घी हमारा जल्दी जलता नहीं है। यहाँ पे आपने डाली है राई, राई को अच्छे से आप इसमें मिक्स कर देंगे, मतलब इसमें अच्छे से भूनने के लिए डाल देंगे। और लेते हैं हम तड़के वाली लाल मिर्च, मतलब सूखी साबुत मिर्च, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आप स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, मतलब आप थोड़ी सी सूखी रेड चिलीज़ को आप अलग से सेपरेट भी कर सकते हैं भूनने के बाद में। अब इसी के साथ साथ हमने लिया है प्याज, जिस तरीके से आप जैसे भी काटना चाहें इसको कट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे प्याज को चॉप करा हुआ लिया है। इसमें आप थोड़ा सा गार्लिक और ऐड कर दें, जिससे कि फ्लेवर हमारे साग का और एनहेंस हो जाएगा। और थोड़ी सी आप चाहें तो जिंजर एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास ग्रीन चिलीज़ आपने स्टेज में नहीं डाली है स्टार्टिंग के स्टेज में, तो आप ग्रीन चिलीज़ भी यहाँ पर डाल सकते हैं। वैसे कि हमने यहाँ पर रेड चिलीज़ डाली हैं, तो आपको तीखा ना हो जाए इसलिए चिलीज़ बहुत ध्यान से डालनी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और आपके पास अगर और प्याज ऐड करने का मन है आपको, वो प्याज मेरी अच्छे से भून चुकी है तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी प्याज और ऐड कर दी है। और इसको जितना ज़्यादा आप इसमें प्याज और लहसुन डालते हैं तो हमारा साग का फ्लेवर जो है बहुत अच्छा हो जाता है। आप इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और ये जब तक ब्राउन नहीं हो जाता, और मतलब आपको थोड़ा सा इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, तब तक आप इसको चलाते रहें, पकाते रहें। और अगर आपको लगता है इसको क्रिस्पी करना है तो आप क्रिस्पी कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसका कलर चेंज होने के बाद में हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस पे आएंगे। और ये साग जो है आपका फाइबर भी आपको प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ इसमें आयरन का कंटेंट, मिनरल एंड विटामिंस का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, जो कि हेल्दी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इसको चपाती लेते हैं बाजरे की, तो आपके लिए एक हेल्दी रेसिपी में आ जाएगा। और जो लोग वेट कम करना चाहते हैं या फिर जिन लोगों को डायबिटीज़ है, वो लोग इसका कंजम्पशन आराम से कर सकते हैं, मतलब ये आपको हार्म नहीं करेगा। अगर आप चावल की चपाती के साथ इसको लेते हैं, तो चावल की चपाती हम डायबिटिक लोगों को सजेस्ट नहीं करते, बट वन चपाती चावल की आप अगर साग के साथ लेते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा है, तो आप एक चपाती चावल की ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोशिश करें आप इसको बाजरे की चपाती के साथ ही खाएं। और अगर आप मक्के की चपाती खाना चाहते हैं, तो डायबिटीज़ में भी मक्के का यूज़ हम नहीं बताते। अगर आप इस साग के साथ लेना चाहते हैं तो आप एक चपाती से ज़्यादा यूज़ ना करें, और सैलड का कंटेंट बढ़ा दें, और इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे साग जो है अच्छी क्वांटिटी में लें। अब इस सबको हमने जो मसाला प्रिपेयर किया था, आप साग में इसको मिक्स कर देंगे, और कुछ टाइम के लिए हम इसको पकने के लिए अच्छे से छोड़ देंगे। देख लीजिएगा आपका हमारा साग यहाँ पे क्वांटिटी कितनी कम हो गई है। हमने काफ़ी साग की मात्रा हमने स्टार्टिंग में देखी थी जब हमने इसको डाला था, और उसमें पानी भी हमने अच्छे से लिया था। अब जितना ज़्यादा ये पकता जाएगा उतना ज़्यादा इसका टेस्ट आता जाएगा। आइए इसको सर्व करते हैं। कुछ देर बाद हमारा साग इस तरह से आ गया है, और अब बस हम इसको ये हमारे लिए इंजॉय करने के लिए रेडी है। आप इसको मक्की की या फिर बाजरे की चपाती इसके साथ में इंजॉय कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये विंटर्स की बहुत ही हेल्दी और इंटरेस्टिंग रेसिपी है।